हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर श्वेता गोयल। यू आर वाचिंग द इंजीनियरिंग मास्टर। द फाइनेंस वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। सो हियर वन मोर अप्रेंटिसशिप जॉब फॉर बीटेक एंड डिप्लोमा ट्रेनीज, दैट इज इन गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये पोस्ट है, रक्षा मंत्रालय की ये पोस्ट है आपकी बेंगलुरु के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें जो है पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग गेट के लिए है और उसके बाद आपका डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डेट के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बीटेक और बीटेक इक्वलेंट के लिए हम बात करते हैं। इसमें आपका मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इसमें आपकी 12 पोस्टें हैं। ठीक है, मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा मैकेनिकल की पोस्टें हैं, फिर आपकी 12 पोस्टें हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 18 पोस्टें हैं। मेट्रोलॉजिकल मटेरियल साइंस के लिए 4 है और सिविल के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, एरोनॉटिकल के लिए 15 है। टोटल 80 पोस्ट हो गई। मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। ओबीसी के लिए 30 है, SC ST के लिए 32 है, PWD के लिए 37 ईयर्स है। आपके लिए इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको बीटेक डिग्री चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो वो आपके मैकेनिकल प्रोडक्शन में है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में है, कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है, और आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग में है। ठीक है, इसमें आपको 5 आपकी 10 पोस्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 10 पोस्ट है। मिनिमम एज आपकी इसमें 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपकी इसमें 27 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है। अब डिप्लोमा, इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ITI वालों के लिए भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का है, जिसमें आपकी मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग, हेल्थ सेफ्टी, एनवायरमेंट, इसमें आपकी 40 सीट्स हैं। ठीक है, इसमें भी आपका मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज आपकी इसमें 27 है। ठीक है, इसमें आपको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए और एक सैंडविच कोर्स स्टूडेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इज अंडर ही मे होल्ड द सर्टिफिकेट मेंशन इन अबव। ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक डिप्लोमा कैंडिडेट, आप इसको भी MHRD NATS.gov.in एंड ITI कैंडिडेट के लिए जो है वो होगा www.apprenticeshipindia.org। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं तो आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट आपका है इसमें अबव रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिलायबल टू बी वेरिड एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आप संभाल के रखेगा, क्योंकि सिलेक्शन के टाइम पे वो आपका काम आएगा। अब इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसको जो अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं 2018, 2019 and 2020। ठीक है, जो भी जिसने भी बीटेक या डिप्लोमा आपका 2018, 2019, 2020 तक किया है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2018 से पहले वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन जिसकी, जैसे किसी ने एमटेक किया है तो वो इसे अप्लाई नहीं कर सकता। एज अ बीटेक बेस कोई करना चाहता है तो उसे अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन जो है आपकी एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड अवेलेबल एज ऑन 5/1/2021 विल नॉट बी कंसिडर फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, आपका क्या है, एप्लीकेशन जिसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट इसका रिजल्ट नहीं आया है, जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोज कैंडिडेट हु हैव कम्प्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट, अब केवल रेगुलर कैंडिडेट ही करेंगे। ठीक है, अब कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, वो इसको नहीं भर सकते, मतलब एक जगह अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो दूसरी जगह नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस नॉट एलिजिबल, मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस जिसके पास है वो भी एलिजिबल नहीं है। TADA आपको दिया जाएगा जब आप, नो TADA विल बी गिवन। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको TADA नहीं दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर्स हॉस्टल अकोमोडेशन। ठीक है, कोई भी हॉस्टल अकोमोडेशन आपको नहीं दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड की अगर हम बात करें 9000 है बीटेक के लिए, डिप्लोमा के लिए 8000 और ITI के लिए 7000। ठीक है, मेडिकल फिटनेस इसमें जरूरी है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड रहेगा।
ठीक है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी वो आपको rec.rac.gov.in और drdo.gov.in में आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप करेक्ट डिटेल अगेंस्ट ऑल द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द साइंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपका जो प्रिंट आउट है उसको आप लेकर जाएंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु के लिए आपकी पोस्ट है। ठीक है, अब आपका है 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होता है, आपको दो डॉक्यूमेंट लगेंगे, 10th मार्कशीट, बीटेक या डिग्री डिप्लोमा जिसके लिए भी आप भर रहे हैं, डिग्री प्रोविजनल डिग्री आपका लग सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लग सकता है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लग सकता है, फोटो आईडी लग सकता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी इसमें लगेगी। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट, जहां पे पब्लिश होगा वो आपका कहाँ पर होगा, वर्ट्स न्यू में, डीआरडीओ की वर्ट्स न्यू में आपका पब्लिश होगा जो इसका आपका होगा। अब इसकी लास्ट डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, आपकी जो लास्ट डेट सबमिशन है वो आपकी 29 जनवरी है, जो आप फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट दिखेंगे वो 12 फेब को दिख जाएगा, और एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट टू ज्वाइन, ठीक है, वो आपका 21 फेब तक हो जाएगा, और ज्वाइन कब से हो जाएगा, 24 फेब्रुवरी से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट आएगी वो आपकी 1 मार्च को आएगी, और जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की अप्रेंटिसशिप शुरू हो जाएगी वो आपकी 1 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, इस फॉर्म को भी आप भरिए एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर जॉब डिटेल्स। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।